नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। और ना संघर्ष और ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही आग अपने आपके अंदर आपको जगानी होगी। अपने माँ पिता का नाम अखबार में छपवाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाके आपके पिता का नाम अखबार में छपेगा और उस दिन आपके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। उसके लिए आपको हर रात हर दिन लगकर मेहनत करनी होगी। इसीलिए मैं आपको एक खूबसूरत सा सेशन लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास टेंथ का। मैंने कल आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अपने अंदर वो आग जागा आगे रखिए, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। आज हम करते हैं इसके आगे शुरू और भगवान का नाम लेकर हम लोग आज आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आज कराऊंगा आपको 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आप कमांड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसको देखिए और पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए जरा उसको ध्यान से क्वेश्चन को। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, सारी बातें एक क्वेश्चन में रिवाइज करेंगे। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ओके। अब हम एक ट्राइंगल बना लेंगे इसमें, जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे शुरुआत कर सकें, ओके। आइए आप लोग और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। एक्यूट एंगल आप सबको पता होगा क्या होता है, अभी बताया, ठीक है। अब हम ले लेंगे ए और बी का, जब कॉस ए और बी ले रहे हैं इसका मतलब फिक्स है कि 90 डिग्री ए और बी पर तो नहीं होगा। तो ए 90 डिग्री होगा सी पर, और ये होगा आपका ए और ये होगा आपका बी, ओके। अब बात कर रहा है वो कॉस ए और कॉस बी क्या है, आपस में इक्वल है, और आपको शो कर रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर हो। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ओके। बहुत ही आसानी से हम इसको बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व करने वाले हैं। अपना पेन कॉपी हाथ में रखिएगा और इसको मेरे साथ सॉल्व करिएगा। अब अगर जो चीज हमें गिवन होती है हम उसी से आगे बढ़ते हैं, उसी की हेल्प के थ्रू हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें दिया क्या है बेटा, गिवन क्या है, कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर दिए हुए हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये क्या है बच्चों, ये गिवन है, क्या है ये गिवन है। तो बेटा कॉस ए अगर लिखा हुआ है इसका मतलब थीटा कहां पर लेना है, कल की जिसने क्लास दी होगी वो आराम से बता सकता है कि ए हमें कहां लेना है, थीटा हमें वहां पर लेना होगा जहां पर कॉस लिखा है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये वो बताता है कि हमें एंगल कहां पर लेना है। तो कॉस ए अगर लिखा है तो ए हमें यहां लेना है। अगर बेटा ए यहां लिया है तो बेस हो जाएगा ये बातें हम उसको बहुत आसान लग रही होंगी जिसने मेरी पहली 2 वीडियो देखी है और आज वो यहां पर आया है। और जिसने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके उन वीडियोस को देख ले ताकि ये चीज उनको आसानी से समझ में आ सके। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर हम कॉस ए निकालना चाहें तो क्या निकलेगा बेटा, बेस एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा एबी, ओके। और अगर हम कॉस का एंगल चेंज कर दें, ए की जगह पर हम किसको ले लें बेटा, बी को ले लें, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो हमारा बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये। तो बेटा अगर कॉस बी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन बेटा ए बी। अब बेटा ये दोनों रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अब इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा बेटा, क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, बताइए आप। ए बी और ए बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओके। ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी बी सी बेटा बराबर हो गए। मैं आपको एक हल्की सी प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आपको याद करनी होगी, रिकॉल करनी होगी माइंड में, कि कभी भी किसी ट्राइंगल में अगर बेटा दो साइड्स बराबर होती हैं, दो साइड्स अगर बराबर होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो उसके सामने वाली साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सामने वाली साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ए सी और बी सी बेटा यहाँ पर अगर ट्राइंगल ले ले छोटा सा समझने के लिए, अगर बेटा ए सी दिस साइड बी सी दिस साइड, बेटा अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अभी मैंने आपको बताया इसके सामने वाला बेटा ये एंगल और इसके सामने वाला
ये एंगल इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब ये इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बेटा यही रिजल्ट हमारा हमें निकालना था, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर आ चुका है, यही तो हमें निकालना था बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही तो प्रूफ करना था। तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसमें है नहीं। अगले जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ उसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी और प्रूविंग कम होगी, ठीक है। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने था, आपने इसको देखा, और कभी भी अपने अंदर जज्बे की बेटा कमी नहीं होने देनी है। आपको लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने, लेकिन आपको बिल्कुल हंसते रहना है, मस्त रहना है और पढ़ाई करते रहना है। सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कॉट ए इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट, कॉट ए इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट। फिर से हम एक बार की तरह अब एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, इसमें हम ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए कोई बात, तो आप देख पा रहे हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट है, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग आराम से, जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे कर सकें। ओके चलिए, आप अपने साथ बनाते रहिए अपनी कॉपी में जिसमें भी आप कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम अलग से ना देना पड़े, आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए, ठीक है। आपका टाइम बेटा बहुत प्रीशियस है, आपके पास काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पर समझेंगे, उसके सिर्फ आप यहाँ पर ऐसे करके बैठ के देखते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सर ने कैसे सिखाया था। मैं आपको इतना स्पीड में तो पढ़ा नहीं रहा कि आप पीछे हट जाएं, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात देखें, कॉट ए सेवन अपॉन एट है, तो हम इसकी साइड्स को ले लेते हैं ए बी और सी, ओके। अगर मैंने ये ए लिया है तो मेरा यहाँ पर एंगल हो जाएगा कॉट ए, ओके, ये हमारा हो गया एंगल ए। अब ये दिया है बेटा सेवन अपॉन एट, ये दिया है हमें सेवन अपॉन एट। तो कॉट होता क्या है बेटा, कॉट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो यहां पर बेस हमें बेसिकली क्या दिया है सेवन, और परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा एट, ओके। अगर टेन दिया होता तो कुछ और होता, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, लेकिन हमें कॉट दिया है तो कॉट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो बेसिकली। तो आप देख पा रहे हो यहां पर लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि सर साइन निकालो, साइन कॉस कॉस कॉट, ठीक है। तो आप कल समझाया था मैंने, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, कि हमें ये सब काम तभी कर पाएंगे जब हमें तीसरी साइड पता हो। तो तीसरी साइड निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, अपना पुराना चीज, आइए जरा भाई पीटी इसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। क्या होता है बेटा ए सी स्क्वायर, बोलो जल्दी जल्दी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको इस चीज़ में, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, ओके। तो बेटा कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, दिस इज इक्वल्स टू 113 ए सी स्क्वायर, एंड इट विल बिकम अंडर रूट 3। इफ वी टेक रूट इन दिस देन इट विल बिकम दिस, ओके। प्लस माइनस की वैल्यू बेटा फिर से आएंगी, लेकिन माइनस की नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। तो ए सी हमारा हो जाएगा रूट 113। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, रूट की वैल्यू है बेटा, घबराना नहीं है, रूट से बच्चे बहुत घबराते हैं, बोले जहाँ पर रूट आ गया तो अब तो हमें हमसे नहीं होगा, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा गाइडेंस कर रहे हैं हम लोग आपको, रूट 113 है, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे और इसके आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, ठीक है, अब निकालना क्या, इसको बेटा मिटा देंगे, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लिख दिया मैंने रूट 113, अब इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और बेटा ये अपॉन में, इसको मैं आपको थोड़ा ठीक से लिख दूँ, अगर आपके लिए थोड़ा सा आपको मैं ठीक करके लिख दूँ तो आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस साइन ए, ओके, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, ओके। इतनी बात समझ में आई, और ये अपॉन है बेटा, ये चीज़ ऐसे करके थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगी बुक्स में, मैंने वो स्लैश करके ले लिया था, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ओके। बहुत ही आसानी से करेंगे बेटा, कोई हड़बड़ी आपको नहीं करनी है।
तो बेटा वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है, वन प्लस कॉस है, वन माइनस कॉस है। तो आपको बेटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक साइन है और कॉस है। तो क्यों ना पहले हम साइन है कॉस है निकाल लें, क्यों ना पहले हम इस पूरे को एक साथ सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम साइन है और कॉस है की वैल्यू अलग से फाइंड कर लें। तो बेटा साइन है क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो। बेटा साइन है अगर यहाँ पे लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ये होगा, ये हमारा कितना था, एट था। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा एट और अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा कितनी है, अंडर रूट 113। ओके, कॉस है बेटा कितना होगा, कॉस है आपका हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस कितना है, 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको, आपने साइन निकाल लिया और कॉस निकाल लिया। अब आपको इसकी वैल्यू स्पोर्ट कर देनी है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बेटा आप मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे, प्रॉमिस करिए बेटा, ठीक है, आप सब देखते रहेंगे, दो दिन के अंदर भूल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे सर क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, फिर किसी और की वीडियो देखेंगे, फिर परेशान होंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। इतना धीरे धीरे मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप साथ में सॉल्व कर सके, ठीक है बेटा। तो बेटा वन प्लस साइन ए का मतलब हुआ वन प्लस साइन ए, साइन ए बेटा कितना है, एट अपॉन अंडर रूट 113। ओके, अब बेटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जैसा उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे ही पुट करते रहना है। वन माइनस साइन ए बेटा, वन माइनस साइन ए, साइन ए कितना है, वही चीज, एट अपॉन अंडर रूट 113। ओके, ये हो गया बेटा हमारा ऊपर की चीज, और ये अब नीचे आएगी क्या, डिनोमिनेटर में बेटा क्या दिया है, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, तो बेटा वन प्लस कॉस ए बेटा कितना होगा, निकाल चुके हम पहले, इसीलिए हमने, अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते तो शायद गलती होने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन हमने पहले ही आपको वो चीज़ निकाल के दे दी ताकि आसानी से पुट करने का काम रह गया हमारा और कुछ नहीं, वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके बेटा, आपको कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये रेड वाले कलर में जो मैंने लिख दिया आपके सामने, यहाँ पर आपको कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिख रही क्या, सोचो बेटा सोचो, आपको कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही यहाँ पर कि सर हाँ सर वो वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। तो बेटा आपने एक आइडेंटिटी सुनी होगी छोटी सी, ज़्यादा लेंदी नहीं है वो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये मैंने आपको साइड में लिख दी। अब बेटा आप क्या देख नहीं पा रहे हैं बेटा, अगर वन को हम ए मान लें और 8 अपॉन वन रूट 113 को हम b मान लें, तो क्या आपको ये a प्लस बी और ये a माइनस बी नहीं दिख रहा। अब वही प्रोसीजर बेटा नीचे भी हो रहा है, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, तो क्या बेटा ये a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी a माइनस बी नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे तब जाके हमारा ये क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं बेटा यहाँ पर इस चीज़ को, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट कर दी है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कुछ भी, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके चलिए, तो बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा b कितना है पूरा 8 अपॉन रूट 1 रूट 113, ये हमारा पूरा क्या है b है। ओके, और नीचे क्या चल रहा है बेटा, 1 स्क्वायर माइनस बोलो भाई 7 अपॉन रूट 113, ठीक है, का होल स्क्वायर। ओके, आसान है क्वेश्चन बेटा, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, जो बेसिक आपने एलसीएम लेना ऊपर मल्टीप्लाई करना जो आपने सीख रखा है अब तक, उसका हल्का सा यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। देखिए वन, इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करें, वन स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर बेटा वन, एट का स्क्वायर 64 अपॉन बेटा कितना आएगा बेटा, रूट में कोई भी चीज़ होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। सर ये आप बता रहे हो या रटा रहे हो बेटा, हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं पूरा, रुको जरा एक मिनट आप देंगे मुझे एक्स्ट्रा जिससे मैं आपको समझा सकूं। बेटा ये रूट होता क्या है, आप इधर समझिए बेटा, रूट होता क्या है, अगर रूट की आप पावर में बात करें तो रूट की मतलब होता है पावर 1/2, क्या होता है रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ओके, तो अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है, किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/2, बोलो कोई दिक्कत है। रूट को रिप्लेस कर दिया पावर से और पावर कितनी लगाई 1/2,
अब अगर इसका हम स्क्वायर करें, जो हमारा यहां पर हो रहा है हर चीज में, अगर हम इसका स्क्वायर करें, जैसे कि 6 1/2 का स्क्वायर करें अगर, तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या निकल के आएगा, ये निकलेगा नंबर हमारा। तो बेसिकली रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बाकी नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो मतलब रूट सिक्स का स्क्वायर 36 मत कर देना आप, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरा यहाँ पर रूट 113 है, इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा और कितना निकल के आएगा, 113 निकल के बेटा आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 113 बचेगा, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, ये तो ऊपर की बात हो गई बेटा, नीचे क्या आ रहा है, 1 − 7/113, ठीक है, ओके। अब बेटा इसके एलसीएम लेने पड़ेंगे, अब इसका एलसीएम लोगे तो अब हम अगले पेज पर आते हैं। ये क्या आ रहा है बेटा, 1 − 64/113 / 1 − कितना था बेटा, 1 − बेटा 7 का स्क्वायर भी करेंगे 49, ओके, 1 − 49/113। बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये 113 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। अच्छा कलर थोड़ा लाइट है, ओके ओके, अच्छा बेटा बता दिया आपने, ठीक, कलर थोड़ा लाइट है, कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया। अब 113 अब एलसीएम लेंगे बेटा, 113 मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, ये ठीक है बेटा कलर 113, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, 113 − 64/113, और नीचे बेटा क्या रहेगा, 113 − 49, ठीक है, अपॉन 113, ठीक है बेटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, बेटा 13 हो जाएगा ये, 13 में से 4 गया 9, और 10 में से 6 गया बेटा 4, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 13 में से 9 गया बेटा 4, और 10 में से 4 गया बेटा 6। सर ये 113 कहाँ गए, सर ये 113 तो लिखे ही नहीं आपने, तो बेटा 113 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या खत्म हुआ है, ये हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 6 क्वेश्चन के लास्ट में कि अगले के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, तो आप कॉपी पेन से सॉल्व करते रहिएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करें, क्या दिया हुआ बेटा, cot² a बेटा ये स्क्वायर है, ठीक है, अलग थोड़ा आपको दिख रहा होगा एरो, ये स्क्वायर में भी यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, cot² a आपको निकालना है, cot² a बेटा ये 2a नहीं है, आपको बता दूंगा ये 2a नहीं है बेटा, cot² की पावर 2 है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग अलग है बेटा, ठीक है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, cot² a 2a मत समझना बेटा इसको आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो cot² a निकालना है। तो बेटा cot का रेशियो तो बता दो मुझे आप पहले, तब तो मैं आपको आगे बताऊं, cot का रेशियो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा स्क्वायर भी तो है, तो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहेगा। बेटा बेस है कितना, बोलो भाई बेस कितना है, बोले सर डायग्राम तो दिखा दीजिए, तो बेटा डायग्राम भी देख लो, बेटा बेस कितना है, 7, बेस कितना है 7, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और बेटा परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर, बेटा ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 8 का स्क्वायर 64। क्या बात कही सर आपने, दोनों आंसर सर सेम आ गए, ठीक है, दोनों आंसर सेम आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, दोनों आंसर आपके दोनों ऑप्शन के सेम आ गए। ये हमारा 7th क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। तो बेटा ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, बताओ जरा थम्स अप दे दो एक बार मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलता है तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अब पहले क्या कंडीशन थी, पहले हम कितने वीक थे, उससे कोई मतलब नहीं होता बेटा। हर दिन आपको क्या होना है, इम्प्रूव होना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है हर दिन, हर क्षण, हर सेकेंड, ठीक है, तभी आप इतनी कॉम्पिटिशन में अपने आप को प्लेस कर पाएंगे, वरना कब आप बहुत पीछे छूट जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। हर दिन हर वक्त पढ़ना है आपको, ठीक है, और इम्प्रूव करना है, ठीक है। चलिए कौन कितना आगे बेटा उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, कौन कितना आगे उस पर ध्यान नहीं देना, आप खुद को कितना आगे कर रहे हो पिछले दौरान से, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, 7th क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कैलकुलेशन मांगेगा क्योंकि देखेंगे क्या क्या बहुत लंबा सा रिजल्ट आ रहा है,
तो इस पे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। मेहनत के बिना है क्या दुनिया में? ठीक है, आइए जरा आपको ट्रायंगल दे देते हैं बेटा बना के हम। ओके, आपको एक ट्रायंगल दे देते हैं बनाकर। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल 90 डिग्री वाला। अब इसमें बेटा ए पेयर ले रहा है तो ए हम यहाँ ले लेते हैं, जो हम मतलब बेसिकली इधर ही ले लेते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन यही मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा एंगल होगा बेटा। क्या होगा? एंगल होगा। और बेटा यहाँ भी कॉट दिया है। अरे सर ये तो 3 इधर है 4 उधर है, तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में सिखाया था शायद थर्ड क्वेश्चन में या फोर्थ क्वेश्चन में कि 3 को आप नीचे भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में चला गया। अब बेटा वही वाली बात, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सर ये बार बार कॉट क्यों आ रहा है बेटा? कॉट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ तुम ले रहे हो, ठीक है, बार बार कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं देखने को, तो भाई कॉट पर कमांड होती चली आ रही है धीरे धीरे। तो बेटा ये 4 है और ये 3 है। बेटा कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले तीसरी साइड निकाल लो, ये मेरे कहने से कर लो, क्योंकि बिना उसके ट्रिग्नोमेट्री होगी ही नहीं। तो आपको तीसरी साइड निकालनी है तो क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी साइड निकाल लेते हैं बेटा ए बी। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू? बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना बेटा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ए सी स्क्वायर हो गया बेटा। और बेटा ए सी कितना निकल के आ जाएगा सीधे सीधे? ये 25 हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे। सर रूट क्यों लिया? रूट क्यों लिया कोई बता सकता है? रूट बेटा इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। हमें ए सी स्क्वायर थोड़ी फाइंड करना है बेटा, हमें ए सी फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो आप रूट लेंगे दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर तो कट जाएगा उससे रूट से, लेकिन यहाँ लग जाएगा। तो बेटा कितना आ गया ये 25, और 25 का रूट बच्चों को भी पता है और आप भी बच्चे ही हो भी, ठीक है, तो आपको तो पता हो गई होगा। बड़े भूल सकते हैं बच्चे नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में। ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 लगा देंगे यहाँ पे आप पे। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको मेनली साइड निकालनी थोड़ी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ अभी करना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं बेटा, आगे आपको चलिए। ओके चलिए चलिए, ये तो लिखे रहने देते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके हाँ भाई, 1 माइनस 10 बेटा फिर से बता दूं आपको, ये 2a नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो मैं आपको फिर से वही चीज कहूंगा, इसमें 10 यूज हुआ है और cos और sin, तो इनमें पहले सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज अलग से निकाल के रख लेंगे अपने पास। ठीक है, तो बेटा 10 स्क्वायर कितना होगा? 10 स्क्वायर छोड़ो, पहले 10 ही निकालो। 10 बेटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 3 और 4। ठीक है, और बेटा फिर 10 आ रहा है और उसके बाद आ रहा है कॉस। कॉस स्क्वायर बेटा कितना होगा बोलो जल्दी? स्क्वायर तो छोड़ो अभी, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए, क्वेश्चन ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर ही निकाल ले रहे हैं, उस निकालना तो है ही बेटा। कॉस स्क्वायर बेटा कितना होगा? बेटा कॉस है बताओ पहले कितना होगा? कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 और 5, 4 अपॉन 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? साइन है, साइन है क्या होगा? परपेंडिकुलर 3 और 5 का रेशियो। अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर निकालना होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और बेसिकली अगर निकालें तो ये हो जाएगा बेटा 9 और 16, ये हो जाएगा बेटा 16 अपॉन 25, और ये हो जाएगा बेटा 9 अपॉन 25। हमने जितने भी रिलेशंस का यूज होगा इस क्वेश्चन में वो हमने निकाल के रख लिया अपने पास। ठीक है, अब हम आसानी से इनको पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर जल्दी बोलिए, पर पहले इसको निकालेंगे बेटा, ये LHS है वो RHS है, LHS को पहले सॉल्व करते हैं, RHS बराबर कर देंगे उसको बेटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर इसीलिए बेटा ये यूज बाद में आता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने जाएंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मैं आपको यही सिखाने आया हूँ कि गलतियाँ कैसे बचानी है। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन गलत कैसे होगा वो आप यहाँ सीखेंगे और उससे आप अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके बाद कितना बुरा लगता है बेटा मुझे पता है। ठीक है, हमने इतने बच्चों को पढ़ा दिया बेटा, वो आके कहते हैं सर, अरे सर, वो आके बताते हैं सर हमारा पूरा फुल नंबर का हुआ सर, उससे पूछते हैं बेटा यहाँ पे क्या किया, बोले अरे सर क्या कर दिया मैंने ये। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बचनी है, उससे आपको बचाना अपने आप को। तो बेटा क्या होगा, पहले आप सारे रिलेशंस को निकाल के रख लेंगे अपने पास और आराम से पुट करते चले जाएंगे,
वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, नाइन और सिक्सटीन, ठीक है, अपॉन बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो बेटा वन इस पर प्लस कर देंगे बेटा नाइन बाई सिक्सटीन, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, सिक्सटीन यहाँ जाएगा, सिक्सटीन इससे मल्टीप्लाई होगी, तो सिक्सटीन माइनस नाइन कितना होगा बेटा, सिक्सटीन माइनस नाइन बोलो जल्दी, सिक्सटीन पहले लिख देते हैं आपको, आपको सर शॉर्ट में नहीं तो बेटा शॉर्ट में नहीं समझाएंगे आपको, पूरा ही करवाएंगे, टेंशन ना लो, इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये हो गया कितना होगा बेटा, सिक्सटीन माइनस नाइन, और इधर नीचे क्या होगा बेटा, सिक्सटीन, और इसके नीचे क्या होगा बेटा, सिक्सटीन प्लस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बताओ ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। यहाँ पर 16 माइनस नाइन बेटा कितना होगा बोलो जल्दी, सेवन, ठीक है, नौ सात सोलह बेटा 16, ठीक है। यहाँ पर बेटा 16 है इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर 16 है, अब ये 16 16 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, 16 माइनस नाइन सेवन और 16 प्लस नाइन 25। तो हमारे पास बेटा बेसिकली क्या हुआ, LHS की वैल्यू आ गई है, अब हमें RHS की वैल्यू और फाइंड करनी है। RHS बेटा क्या दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बेटा कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो हम फाइंड कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 16 अपॉन 25, तो बेटा 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर ए, बेटा साइन स्क्वायर ए कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए कितना है बेटा, 9 अपॉन 25, तो देख पा रहे होंगे आप 9 अपॉन 25, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। बोले सर एलसीएम लेंगे, बेटा एलसीएम क्यों लेंगे, 25 तो एलसीएम पहले से ही है, जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो एलसीएम की जरूरत क्या है हमें, तो बेटा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 25, तो बेटा ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा RHS है, क्या है बेटा RHS, और वो चीज़ क्या आई थी सर, अभी आपको दिखाते हैं पीछे, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है बेटा। ये LHS सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 7 अपॉन 25 आया, और RHS सॉल्व करके क्या आया, 7 अपॉन 25, तो ये दोनों बराबर हो गए। और वो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था बेटा, वो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हमें आपको सॉल्व करके दिखाना था कि क्या ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये प्रूव्ड है या नहीं है, आपको ये बताना था। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों बातें प्रूफ हो गई आपके सामने, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला खत्म होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस अब थोड़ा सा लेवल क्या हो रहा है बेटा, अप हो रहा है यहाँ पर। अब हम एट्थ क्वेश्चन पर आ गए आज के, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको पढ़िए और समझिए। चलिए, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब हम बनाते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखाते हैं, ठीक है। आप बेटा कभी, वही मैं कह रहा हूँ, कभी भी मॉरल डाउन मत करना बेटा अपना, ठीक है। आप अब उस स्टैंडर्ड में आ गए हैं, आप उस स्टैंडर्ड में आ गए हैं जहाँ पर लोग आपसे उम्मीद करने लगे हैं बेटा। एट्थ में क्या हुआ, नाइन्थ में क्या हुआ, आप बचपन से कितने एवरेज स्टूडेंट थे वो कोई मैटर नहीं करता। अब आप क्लास टेंथ में आ गए हैं, अब वो समय आ गया है जब दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप बेटा अब तक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, नाइन्थ तक, टेंथ के रिजल्ट के एक दिन पहले, एक सेकंड पहले तक आप एवरेज स्टूडेंट होंगे, और रिजल्ट क्लिक होते ही आप क्या से क्या बन जाएंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। लोगों का देखने का तरीका सब आपके चरणों में गिर जाएंगे, और अगर आपके का रिजल्ट खराब रहेगा, अरे हमें तो पहले से ही पता था, अरे भाई घूमता रहता था ये तो, हमें पहले से ही पता था कि इसका ऐसा रिजल्ट आने वाला है, और यूं ही आपका रिजल्ट अच्छा आता है, अरे आपका तो जन्म होते ही हमने देख लिया था कि ये तो कुछ बड़ा ही करेगा। तो बेटा दुनिया आपको क्या करेगी, आपको सलाम तभी करेगी जब आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। वो किस तरह रंग बदलती है, आप अभी छोटे हो, हम बड़े हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया है बेटा। आप टेंथ में आए हैं, आपको अभी दुनिया नहीं पता है, ठीक है, दुनिया कैसे रंग बदलेगी आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप उस दिन को ना फेस करें जब आपका रिजल्ट खराब आए और आपको कुछ गलत फील हो, उसके लिए बचाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। आप
कुछ ऐसा कर जाइए जिससे आपके माता पिता का सपना पूरा हो, ठीक है? इतना ही मैं कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से मोटिवेशन आता होगा जब माँ कहती होगी कि बेटा मेहनत कर ले, ठीक है? जब आप इधर उधर घूमते होंगे तो पापा कहते होंगे बेटा पढ़ ले, कुछ कर ले, कुछ बन जाएगा। पिता हमेशा यही चाहता है कि बेटा उससे कुछ और बढ़ के कहे, जो करे जो पिता नहीं कर पाया, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ बड़ा करने का सोचेंगे, ठीक है? छोटा सोचोगे छोटा होगा, और बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा, ठीक? 9th क्वेश्चन देख लो बेटा इसी बात पे। इन ट्राइंगल ABC, मैंने ट्राइंगल आपके सामने बना दिया है, राइट एंगल एट बी, इसमें साफ साफ लिख दिया भाई बी आपको यही लेना है और कहीं नहीं ले सकते, क्वेश्चन का तो जाएगा। टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, बेटा ए यहाँ पर ले लेंगे और ये हो जाएगा 1/√3। बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया हुआ है 1 और बेस √3। कुछ भी करने से पहले पहले क्या निकाल लो, थर्ड साइड, ठीक है? अब तो प्रोफेशनल हो गए हो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है? देख लो जरा क्या होगा, AC² इज इक्वल्स टू 1² प्लस √3², ठीक है? तो बेटा 1² 1 हो गया और √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, सिर्फ 9 मत कर दीजिएगा। उसका पूरा पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है इटसेल्फ, स्क्वायर नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि पावर कैंसिल आउट होती है बस 1/2, और कुछ नहीं होता है। तो बेटा AC² कितना होगा 4, और AC कितना हो जाएगा बेटा √4, और इसकी वैल्यू होती है साफ साफ क्या, बहुत अच्छा सा नंबर आया है, रूट से हम बच गए इस क्वेश्चन में। पिछली बार तो √113 आ गया था, ठीक है? तो उसको भी हमने सॉल्व करवा दिया, इस बार तो हमें 2 मिल गया आसान सा, चलिए ठीक है। तो फिर से बेटा आपको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो क्या मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, पिछले क्वेश्चन आपने देख लिया कि मैं कैसे कराता हूँ। पहले आप सारे रिजल्ट निकाल के रख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे और एक एक रिजल्ट अपना उसमें से ढूंढ ढूंढ के लगाते रहेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन के साथ साथ आप रिजल्ट निकालेंगे तो हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा नहीं, लेकिन हमें ऐसा काम ही क्यों करना है जिसमें हमें गलती हो सके। 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे बस, अब वो 5 सेकंड आप दे सकते हैं, इतना भी आपका लेंथी एग्जाम नहीं होता है, ठीक है? तो बेटा ये हो गया, अब इसकी साइड को हम रब कर देंगे बेटा, इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है, ओके? इसको हटा देंगे अब, ओके? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ओके? आइए, तो बेटा साइन ए, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ बेटा, अभी आपको बताऊंगा लास्ट में कि अच्छा क्वेश्चन क्यों है। साइन ए बेटा कितना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो, ओके? कोई दिक्कत यहाँ से बेटा? साइन ए यूज हुआ, साइन सी भी यूज हुआ, और कॉस ए बेटा पहले ए ए वाले निकाल ले रहे हैं, पहले ए ए जो एंगल लिया है वो निकाल ले रहे हैं बेटा, साइन ए और कॉस ए। बेटा कॉस ए कितना होगा बेटा, बेस और हाइपोटन्यूज का रेशियो √3/2, ओके? √3/2। कॉस सी कितना होगा बेटा, कॉस सी भी पूछ रहा है, हाँ ये था इसलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक एक बार इसने क्या लिया, ए को लिया, अब दूसरी बार में वो किसको ले रहा है बेटा, दूसरी बार में वो ले रहा है सी को, तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते जाएंगे, ये इसलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? अगर आप इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो कॉस सी अगर होगा, कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस हो जाएगा ये वो 1/2, ओके? और क्या निकालना है हमें, साइन सी, साइन सी भी निकालना है, चलिए साइन सी भी निकाल दे रहे हैं। साइन सी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो √3/√3/2, ओके? और कुछ निकालना है बेटा, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए, कॉस ए निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, साइन सी हो गया बेटा, 80% क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है और जैसा भी आपका LCM माइनस प्लस फ्रैक्शन वगैरह करने होते हैं आसानी से वो करने हैं बस। सबसे बड़ी बात तो यही है बेटा जो आपके सामने लिखी हुई है, जब आपको यही वैल्यूज नहीं निकलेंगी तो क्वेश्चन आ गए तो कुछ है ही नहीं ना। चलिए अब बेटा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी बेटा साइन, और इन दोनों में बेटा किसका फंक्शन लग रहा है, मल्टीप्लाई का फंक्शन लग रहा है बेटा इनके बीच में, ध्यान रखना आप, ये बीच में प्लस माइनस है लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का फंक्शन है। तो बेटा साइन ए कॉस सी, साइन ए बेटा कितना है बताओ, साइन ए बेटा कितना है 1/2 इंटू कॉस सी, बेटा कॉस सी कितना है 1/2,
वन बाई टू। रुको बेटा रुको रुको, कोई भी मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता आपसे, ठीक है। ये हो गया, ओके चलिए, ये हो गया आपका वन पॉइंट टू, ओके। इसको ब्लैक से कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। चलिए आ जाइए, ये हो गया बेटा टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस कॉस ए। कॉस ए कितना है बेटा? टू बाई रूट रूट थ्री बाई टू इंटू साइन सी। साइन सी बेटा कितना है? रूट थ्री बाई टू। ओके समझ में आया बेटा? देख लो एक बार, जल्दबाजी नहीं है। कॉस ए और साइन सी वो हो गए, और साइन ए और कॉस सी हो गए, इन दोनों का सम कर दिया हमने, ठीक है। अब सम कर लो, आप जरा सम कर लो बेटा। वन बाई टू और वन बाई टू कितने हो जाएंगे बेटा? प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वन बाई टू और वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना होगा बेटा? वन बाई फोर, ठीक है। प्लस अब बेटा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, बेटा रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो रही है, तो बेटा और नंबर भी सेम है, तो इनडायरेक्टली स्क्वायर ही तो हो रहा है बेटा। सिक्स इंटू सिक्स क्या होता है? सिक्स का स्क्वायर। एट इंटू एट क्या होता है? एट का स्क्वायर। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा? रूट थ्री का स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या होता है? पावर हट जाती है। बता चुके हैं, अब तीसरी बार बता रहा हूँ बेटा ये चीज़ में। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये तो इतनी लिख लेते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री बेटा कितना होगा? थ्री, और टू टू जा फोर। बेटा एलसीएम बेटा सेम है, तो बेटा कितना हो जाएगा? वन प्लस थ्री अपॉन फोर। बेटा ये कितना होगा बेटा? फोर अपॉन फोर, और ये आएगा आपका कितना? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन आ जाएगा। तो बेटा ये सॉल्व करके कितना आया? वन आया, ठीक है। ये सॉल्व करके वन आया, प्लस कॉस ए साइन सी। बेटा कॉस ए साइन सी किधर है? ये पूरा आंसर आ गया आपका, ये पहला पार्ट खत्म हो गया आपके। यहाँ पे देख लो आप एक बार, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। आपको दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो हमने साइन ए की वैल्यू लगाई, साइन ए की वैल्यू हमारे पास थी वन बाई टू, कॉस सी की वैल्यू लगाई, कॉस सी की वैल्यू भी थी वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस कॉस ए साइन सी। बेटा कॉस ए की वैल्यू थी रूट थ्री बाई टू, और साइन सी की वैल्यू थी रूट बाई थ्री टू। इनको हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? वन। तो पहला पार्ट आपको आ गया समझ में, थम्स अप कर दो बेटा, लाइक कर देना हमारे वीडियोस को, ताकि हमें पता चले आपको कुछ पसंद आ भी रहा है या हम ऐसे यहाँ पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे स्लाइड को। सेकंड पार्ट कॉस ए कॉस सी, चलिए सेकंड स्लाइड की जरूरत नहीं है, यहीं पर कर लेंगे हम। कॉस ए कॉस सी बेटा, कॉस ए कितना है? रूट थ्री बाई टू। कॉस ए, कॉस ए कितना है बेटा? देख लो यहाँ पर, देख लो आप वैल्यू देख लो एक बार। कॉस ए कितना है बेटा? रूट थ्री बाई टू। कॉस सी कितना है बेटा? वन बाई टू। साइन ए कितना है? वन बाई टू। साइन सी कितना है? रूट थ्री बाई टू। इनको लगाते हैं बेटा, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस सी। बेटा कॉस सी ये है वन बाई टू, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन ए, साइन ए बेटा कितना है? वन बाई टू इंटू साइन सी। साइन सी बेटा ये रहा आपका सामने रूट थ्री बाई टू, ये आपको सॉल्व करके आया है, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर रूट इसका बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, और टू टू जा फोर, ठीक है। रूट थ्री अपॉन फोर आ गया, माइनस में चल रहा है, ये भी रूट थ्री अपॉन फोर, ठीक है। रूट थ्री अब बेटा सेम आ गई, अब कुछ नहीं बचा बेटा, कैंसिल आउट कर देना है, और क्या आ जाएगा हमारा बड़ा अंडा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो जब आंसर आता है तो बड़ी खुशी होती है मुझे, ठीक है, और वन आता है तो बहुत ही ज़्यादा। ये दो आंसर इतने अच्छे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमें दे देते हैं, फिर सॉल्व करते करते इतना मेहनत करके पसीने आ जाते हैं, उसके बाद आंसर क्या आता है? वन, जीरो। बताइए, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। आपने देखा, आपको पूरा क्वेश्चन कराया मैंने, ये वाला इसी स्लाइड में करा दिया है, ताकि आपको पीडीएफ में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े देखने में इसको। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में ना आए, आप अगर उस पर फिर से करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप फिर से करा दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन बेशक करा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन टेन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का इस पर, और ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। और जब मैं कराऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, और हमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम टेंथ क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कुछ अलग ही बात कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। आइए जरा ट्रायंगल बनाते हैं बड़ी आसानी से बेटा। कब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने वाली है आप देख पा रहे होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं की हमने, और सारे क्वेश्चन ऐसा भी नहीं मैंने आपसे कहा कि ये एक जैसे क्वेश्चन से खुद कर लेना, पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा,
आपका बड़ा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप बस इतना काम करिएगा कि कॉपी पेन लेके खुद सॉल्व जरूर करना। अगर आप समझ रहे, आपको ये लगता है अरे सर बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप उससे पूरा 100% नहीं ले पाएंगे जब तक आप खुद उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुद सॉल्व करना अपने हाथ से किसी क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। तो देखिए ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल डेट क्यू, तो क्यू हम कहाँ ले लेंगे बेटा, यहाँ पर ले लेंगे, और पी और आर वहां ले लेंगे। तो पी हमने यहाँ ले लिया, आर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, पी और आर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, पी और आर वहां पर ले लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें दी हुई है पी आर और क्यू आर का सम, मतलब पी आर और क्यू आर दोनों का एग्जैक्ट सम दिया हुआ है कितना, 25। अभी तक हमें अलग अलग साइड्स दी होती थी, अब इसमें दो साइड्स, कौन कौन सी साइड्स, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, ठीक है, ये हो गई दो साइड्स, इनका सम हमें गिवन है, और साथ ही साथ पी क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 5। और हमसे बोल रहा है कि बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक, चलो बच गए, इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाया आपसे, सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, उसको पता है कि उसमें इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी कि इसमें बच्चा परेशान ना हो जाए क्वेश्चन में। अगर इतना करवाने के बाद और टफ क्वेश्चन पूछेगा तो और बच्चे को टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है कि तीसरी साइड निकालने में, इस बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लगेगी, ठीक है, और बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होंगे, वो हम निकालेंगे। चलिए तो बेटा अगर दो साइड का सम दिया है तो एक साइड को आप x मान लो, एक साइड को x मान के दूसरी साइड हम x की टर्म्स में निकाल लेंगे और तीसरी साइड का सम करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या मैंने जो बोला वो कम समझ में आया होगा, अप्लाई करता हूँ फिर देखो कैसे समझ में आएगा। तो बेटा पी आर, पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, चलिए पी आर को ये लेते हैं, पहले लिखा हुआ है तो लेट पी आर बी एक्स, ठीक है, इसको मैं एक्स मानता हूँ बेटा, ठीक है बेटा, अगर इसको एक्स माना है, ये पूरी कितनी है 25, एक्स तो बेटा चली गई, अगर बेटा 10 है, किसी के पास 10 रुपीज़ है, तो अगर उसमें 2 रुपीज़ हटा दिए जाएं, 2 रुपीज़ रिप्लेस कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो कितने बचेंगे, सर बोलोगे 8, मैं आपसे 8 नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ 10 माइनस 2, तो एक्स ये है पूरा 25 है, तो मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ ये क्या होगी, 25 माइनस एक्स, जो जाता है उसको माइनस कर देते हैं, तो एक्स में तो मैंने इतनी ले ही ली, तो ये कितनी बचेगी 25 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म। चलिए जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं पुरानी तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा एक्स, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताऊंगा जो यहाँ पर लगने वाली है, क्योंकि आप बच्चों को भूलने की आदत बहुत होती है, तो उनको बार बार रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये मैंने वाइट कलर से लिख दिया, अलग है ये, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर कहाँ से आया, ये भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब आपके सिलेबस में आएंगी तब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर 625, माइनस एक्स का स्क्वायर, बेटा यहाँ पर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, कभी माइनस में नहीं आता बेटा, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस बेटा माइनस का 2ab है यहाँ पर, तो 25 इंटू 2, 2 इंटू 25
नहीं बोला था, उस टाइम चेक किया थोड़ी देर पहले बोला था हेलो हेलो हाँ आ रही, अब जल्दी ख़त्म करूँ इसे। हैं ठीक ठीक चलो ख़त्म करूँ जल्दी से। मार्कर कहाँ गया हमारा मार्कर ये। हेलो हाँ भाई देखिए अब हम आगे चलते हैं, इसको बढ़ते हैं 2 × 625 यहाँ पे आ गया बेटा, 2 × 25 + x ठीक है, ए कितना है 25 और x ठीक है, प्लस 25 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25। ओके अब बेटा सॉल्व करेंगे, x² = 625 प्लस x² - 50x + 25, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ये बेटा प्लस है, ठीक है ये प्लस है, चलिए ये प्लस है हमारा ठीक है। अब देखिए बेटा ये x² से तो x² कैंसिल हो गया, क्या हो गया x² से x² कैंसिल हो गया, कितना बचेगा बेटा इस -50x को इधर लेके आओ, 50x = 625 + 25 कितना होता है बच्चों 630 ठीक है। x कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल ठीक है, ठीक है देखो जरा 625 हो जाएगा 650 ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 13। ओके बीच में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया बीच में ठीक है, कोई बात नहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा ये तो होती रहती हैं ठीक है। चलिए एक्स हमारा कितना आ गया बेटा 13 आ गया, यहाँ पर हमारा 13 आ गया, तो बेटा 25 - x कितना हो जाएगा 12। ओके अब बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है ठीक है, कितना बचा बेटा यहाँ पे 12 आ गया बेटा, ये ट्रिपलेट होता है आपको याद होगा 13 12 5। चलिए आपको निकालना है बेटा साइन पी, साइन पी निकालने के लिए साइन पी देखो जरा, साइन पी कितना होगा बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बेटा 12/13 12/13। बेटा कॉस पी कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा बेस कितना है बेटा 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और हमारा टेन पी कितना होगा बेटा टेन पी होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12 और बेस कितना है बेटा 5। ओके चलिए तो हम यहाँ पर इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको मैंने आज 5 क्वेश्चंस कराए और उसके बारे में आपको मैंने कमांड दिलवाई, मैंने आपको यहाँ से शुरू करवाया था, आपको मैं दिखा दूँगा आज थोड़ा सा रिविज़न करवा दें आपको यहाँ से। ये बेटा मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराया ठीक है, ये मैंने 6 क्वेश्चन कराया, इसमें बेसिकली मैं प्रूफ कर रहा था तो हमने साइट्स को किस तरीके से किया, आप इसको घर पे रिवाइज करेंगे ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको अगला क्वेश्चन कराया 7th क्वेश्चन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी लेकिन इसको हमने कर लिया और मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देंगे ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, उसके बाद मैंने आपको 9th क्वेश्चन कराया और 8th क्वेश्चन कराया ठीक है, 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपको मैंने कराए और आज मैंने आपको अगले क्वेश्चन 10th कराया, तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसका एक 11th क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का 8.1 का, उसमें बेसिकली ट्रू फॉल्स है, आप मुझे करने बता देंगे कि वो क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए ट्रू फॉल्स, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको करा दूंगा, वरना हम लोग 12th इसकी 8.2 एक्सरसाइज से शुरू करते हैं कल के लिए ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, हम पूरी की पूरी मैथ्स ख़त्म कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि सर कितना कब ख़त्म हो गई ठीक है, और कब हमारी कमांड मैथ पे अच्छी हो गई ये आपको पता नहीं चलेगा ठीक है। आपको करना क्या है, बस साथ में मेरे रहना है और अपना कॉपी पेन कभी भी रखना नहीं है, जब तक मेरी क्लास चलेगी आप खुद उसको सॉल्व करते रहेंगे, आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि सर सॉल्व कर रहे हैं तो हम बस देख ले रहे हैं, देखने से हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, नो डाउट अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसको खुद से करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और आप काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रख सकेंगे, लंबे समय तक आप फिर रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगी वो चीज़ ठीक है। और ये भी बात समझ लीजिए, जो क्लास 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से सिलेबस स्टार्ट होता है
वो ऐसा सिलेबस नहीं होता जो उसी साल में होकर खत्म हो जाता है, वहां से बेसिक स्टार्ट होते हैं और आपके हायर एजुकेशन तक ऊपर तक आपको समझाने पड़ेंगे और खुद समझने पड़ेंगे। कहीं पर आप किसी को पढ़ाएंगे छोटे भाई बहन को तो भी आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो टेम्पोरेरी तो बेटा कोई चीज़ समझनी नहीं है, परमानेंट समझने की कोशिश करो, ठीक है। किसी क्वेश्चन को आप ये समझते हो कि सर मैं आज समझ लूँ बस मेरा एग्जाम निकल जाए और मैं बच के निकल जाऊँ, हो सकता था ये 8th तक 7th तक 6th तक चलता हो आपका, लेकिन क्लास 10th और 9th दोनों बता रहा हूँ मैं, जो बच्चे अभी 9th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो वो भी ये सुन लें कि अगर वो चीज़ समझ रहे हैं कि वो सिर्फ वो चीज़ समझ लें और बस कुछ समय के लिए वो पास हो जाएं उस चीज़ को देख कर, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको 9th और 10th की चीज़ों को थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th 12th और उसके बाद और हायर एजुकेशन में आपका उसको यूज़ होना है। तो किसी भी बेसिक को अपने से स्किप नहीं होने देना है और अच्छे से, बहुत अच्छे से बेसिक से समझना है। और अभी चल रही है बेटा अगस्त, आज है आपकी कितनी बेटा 24th ऑफ अगस्त है, तो आपके पास अभी भरपूर समय है, ठीक है। आप अभी दिसंबर में या फर्स्ट सेमेस्टर के बिल्कुल जल्दी में नहीं लाई कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है, पूरा उसको पढ़िए समझिए प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एग्जाम में आप पाएंगे कि आपको सब कुछ आता होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है बेटा। इस बेटा दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है, हर बच्चा हर सेकेंड पढ़ते जा रहा है, तो आपको उनसे फाइट करने के लिए उनसे कुछ ज़्यादा बेहतर करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना होगा, तभी कुछ आप दुनिया में गिने जाएंगे कि हाँ भाई ये भी कोई पीपल है, कोई पर्सन है, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपको कितना कैसे समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, मुझे लगेगा कि हाँ जितना मैं पसीना बहा रहा हूँ यहाँ पर उतना बच्चों से भी रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पर आपको पढ़ा सकूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। देश का सम्मान करना, हर तरफ खुशहाली रखना, साफ सफाई पर ध्यान देना, और कोई आपको दिखाई दे गंदगी फैलाते हुए तो कृपया करके उसको हाथ जोड़कर थोड़ा सा उसको समझाना और देश को साफ रखने में अपना एक योगदान देना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।